हेलो फ्रेंड्स, एक तरफ जहां प्रिया के वापस आने से पूरी फैमिली में दौड़ गई थी खुशी की लहर, वहीं प्रिया की वापसी आयशा के लिए बनकर टूटी है एक अलग सा कहर। आयशा क्योंकि वैसे ही प्रिया को पसंद नहीं करती, उसके वापस आने की खबर से वो कैसे खुश हो सकती है। जैसे ही राम को होश आता है वो सबसे पहले प्रिया के बारे में पूछता है और आयशा राम से कहती है कि प्रिया तो चली गई। चली गई कहाँ? चली गई, अरे वो चली गई रजत के साथ। अरे भाई क्योंकि वो रजत और उसका, अरे भाई क्या, रजत के दिल में प्रिया के लिए बसा है ढेर सारा प्यार और शायद प्रिया भी उसे कर चुकी है कहीं ना कहीं स्वीकार, इसलिए दोनों साथ में मिलकर चले गए। अब बाय गॉड, ये सुनकर राम को आया जोर से गुस्सा और राम हो गया बेआराम और वो जोर से प्रिया पर चिल्लाया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती। इसलिए तुम ये कहती रही कि भाई आयशा तुम्हारी बीवी है, तुम उसी के साथ रहो, उसी के साथ रहो, क्योंकि खुद वो रजत से शादी करना चाहती थी। ऐसा चक्कर चलाया कि राम को बना दिया घन चक्कर। मगर राम भी ऐसा कहाँ सुनने वाला है, वो प्रिया से इसका जवाब जरूर लेगा। अब इधर आयशा का वार कर गया काम, तीर सीधा निशाने पर लगा और ये लगा वो मरा। खैर अब इस कहानी में और क्या क्या गुल खिलेगा ये देखते हैं। अब एक तरफ जहाँ एक जोड़ी बिखरने के कगार पर है, वहीं एक जोड़ी आपस में मिलने के कगार पर भी है किसी की वजह से। यानी आयशा जहाँ प्रिया और राम के बिछड़ने की एक और वजह बन सकती है, वहीं दीपाली आरके और मधुबाला को नजदीक लाने के लिए कड़ी बन सकती है। आइए हम बताते हैं कैसे। जैसे कि आपको पता है दीपाली इस शो में एंट्री ले चुकी है और मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन है। वो है आरके की एक्स गर्लफ्रेंड, यस, और सिकंदर की प्रेजेंट वाइफ, इसीलिए वो आरके के घर पे एंट्री कर चुकी है। अब जहाँ वो आरके के घर पे एंट्री कर चुकी है वहाँ वो आरके के रूम में ना पहुँचे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके मंसूबे ठीक नहीं है, इसलिए आरके डरा हुआ है और वो चाहता है कि वो उससे दूर ही रहे क्योंकि वो लास्ट टाइम वो दिए विए जला रही थी उसके रूम में, उसके रूम को डेकोरेट कर रही थी जो आरके को पसंद नहीं आया था। खैर आगे बढ़ते हैं। आरके ये बिल्कुल नहीं चाहता कि दीपाली उसके करीब आए, लेकिन दीपाली के मन में आरके को देखकर जज्बात वापस से जाग चुके हैं, इसलिए वो आरके से दूर नहीं रह पाती है। वो आरके से माफ़ी मांगती है कि भाई जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, अब वो उसकी ज़िंदगी में उसे दोबारा ले आए। मगर आरके अब क्योंकि मधुबाला की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है इसलिए अब शायद ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो मधुबाला से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो उससे उसकी जान बचाए। खैर दीपाली आरके से कहती है कि वो मधुबाला और उसके रिलेशन को अच्छी तरह से जानती है क्योंकि ये रिलेशन एकदम नकली है। वो शादी के बारे में भी जानती है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ये रिलेशन ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं, बिल्कुल टिकाऊ नहीं। मगर आरके उसे यकीन दिलाता है और दावे के साथ कहता है कि वो मधुबाला के लिए ख़ास फीलिंग रखता है, इसलिए वो दिल से उसका ख्याल रखता है और ये रिलेशन इमोशनली नहीं एकदम टिकाऊ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें मधुबाला सुन लेती है। क्या सचमुच आरके दिल से उसका ख्याल रखता है या फिर ये यूं ही कह रहा है? लेकिन अगर आरके सचमुच दिल से मधुबाला का ख्याल रखता है तो मधुबाला के चेहरे के रंग ही नहीं उसके रंग ढंग भी बदल जाएंगे, वो गार्डन गार्डन हो जाएगी। तो अब माय डियर फ्रेंड, क्या स्टोरी में एक नई लव स्टोरी खड़ी हो रही है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? अब ये सब जानने के लिए तो आपको रूबी आंसर ही देखना पड़ेगा ना। सो कीप ऑन वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स बिकॉज आई लव यू ऑल। टेक केयर।